ले जा दो अंदर। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। आपके बेटे पर आरोपी है कि जो ये लड़की मिसिंग है, आपका बालक जो है पुलकित, वो उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था, ऐसे कुछ एविडेंस आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो मिसिंग, हम जिम्मेदार लोग हैं। वो गायब क्यों है, वो फ्रंट में क्यों नहीं है? नहीं नहीं, गायब ना तो मेरा बेटा गायब है, मेरा बेटा गायब क्यों होगा भाई साहब, वो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या वो मैं गया पर्दे में, गया मैंने पर्दा थोड़ा हटाया, तभी कहा कि रुको रुको रुको, मैं तभी सहन कर, मैं थोड़ा बाहर गया, फिर थोड़ी देर करीब उसके बाद उन्होंने बुलाया मुझे कि आओ अंदर। मैं गया, मैं साहब मैं अंकिता भंडारी का पापा हूँ, तो मैंने कमलेट लिखानी, तो कहने लगा कि नहीं नहीं कमलेट इन्होंने लिखा दी, ये पहले आ रखे हैं, आपकी नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा मैं पीड़ित पीड़ित बेटी का पिता हूँ, पहले मेरी रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो तब तक बीच में बोलने लगा कौन, ये होटल होटल मैनेजर मालिक बोलने लगा कि सर जो भी है आप हमारे होटल में चलिए, वहाँ आपको सिटी कैमरे जो भी है आप पता कर लेंगे जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है ना, उसके बाद मैंने पटवारी से बोला कि ठीक है, तो जब कम्प्लेंट इनकी लिख रहा है तो एक कम्प्लेंट मेरी भी है, तीन बंदे हैं वहाँ, उनकी मैं कम्प्लेंट शिकायत कर रहा हूँ, एक तो आप इनको रिसीव करो और एक कॉपी मुझे दो। अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी का, मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ हो, मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती, मुझ पर क्या बीत रही है, पाँच दिनों से मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से।